नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक और इस वक्त की बड़ी खबर सिवान का सनपुरा से आ रही है, जहां पे लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में दो दुकानों को सील कर दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हसनपुरा से, आपको बता दें कि दो दुकानें जो कि वहां की बड़ी दुकानें हैं, लॉकडाउन का लगातार उल्लंघन किया जा रहा था, जिसको लेकर आज पुलिसिया कार्रवाई की गई और उसमें दो दुकानों को सील कर दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। हसनपुरा प्रखंड क्षेत्र में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में दो दुकान को प्रशासन ने सील कर दिया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने दो दुकानों को सील किया है। हसनपुरा प्रखंड क्षेत्र के हसनपुरा बड़ी बाजार स्थित एक होलसेल दुकान को हसनपुरा CO प्रभात कुमार 48 घंटे के लिए सील कर दिया है, तो वहीं दूसरा महावीर चौक गोला बाजार स्थित जनरल स्टोर दुकान को सील किया गया है। ये सभी दुकानदार अपने अपने दुकान खोल रखी थी। इन सभी दुकानों को CO प्रभात कुमार एवं MH नगर थाना के सुधीर शाह ने सील किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि ये सभी दुकानदार लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर अपने अपने दुकान को संचालित कर रहे थे, जो भ्रमण के दौरान पकड़े गए। CO प्रभात कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण में बेतहाशा वृद्धि को लेकर संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। न्यूज इंडिया तक के लिए सिवान से ताबिश और हसनपुरा से अभिमन्यु कुमार की रिपोर्ट।